हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस सोनपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11th के प्रथम पाठ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सातवें भाग के ऊपर चर्चा करेंगे। इस भाग में हम परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम परमाणु, एटॉमिक मास वगैरह के बारे में अध्ययन करेंगे। हम अब बारी बारी से आपको सबसे पहले एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बताएंगे। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग को जब व्यक्त किया जाता है किसी तत्व के परमाणु के सापेक्ष, तो उसको परमाणु द्रव्यमान इकाई की संज्ञा दी जाती है, AMU। इसके बारे में AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, क्लास 9 में आपने इसके बारे में पढ़ा था। आपको सिर्फ रिवीजन के लिए, चूंकि इसमें बताना है, हम आपको यह इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो हम देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट 12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। मतलब कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के एक परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन AMU। जो किसी भी परमाणु में के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी AMU में व्यक्त किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या 6.022×10^23 होती है। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 gram एटम इक्वल 6.022×10^23। 1 gram परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022×10^23 होती है। चूंकि द एटॉमिक मास ऑफ C12 6.022×10^23 is 12 gram। मतलब 6.022×10^23 कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। चूंकि एक C12 एक एटॉमिक मास ऑफ
एटॉमिक मास ऑफ C12 इक्वल 12/6.022 × 10^23 होगा, 23 होगा। चूंकि 1 AMU बराबर होता है 12/6.022 × 10^23 × 1/12 = 1.6605 × 10^-24 ग्राम इसके बराबर होता है। 1 AMU बराबर कितना होगा 1.6605 × 10^-24 ग्राम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 AMU इक्वल क्या होता है 12 यानी कार्बन 12, कार्बन का परमाणु भार कितना है 12/6.022 × 10^23। ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर है और उसके 12वें भाग से जब हम भाग करते हैं तो हमें डिवाइड करते हैं तो हमें क्या आता है 1.6605 × 10^-24 ग्राम। ये एक 1 AMU के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है। एटॉमिक मास of an atom equal क्या होगा, equal होगा atomic mass mass of one atom of an element by twelfth part of a carbon एटम, ए कार्बन एटम। इस सूत्र के प्रयोग से हम किसी परमाणु का एटॉमिक मास ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या है, व्हाट इज एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान क्या है, साधारण भाषा में क्या कहते हैं। अब जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो एक परमाणु में उपस्थित जो उसके न्यूक्ली हैं, जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, उनके कुल द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इट इज द मास of a single atom of a chemical element element
इज कॉल्ड एटॉमिक मास। मतलब किसी भी परमाणु में, दूसरे भाषा में हम इसको क्या कहेंगे, एटॉमिक मास। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताती है कि उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के कार्बन 12 के द्रव्यमान के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना अधिक है। द एटॉमिक मास The atomic mass of an element The atomic mass of an element that element that indicates indicates गर्मी ज्यादा है indicates how many times how many times the mass of its atom is more than more than the 12th part part of the mass of the carbon 12 atom. मतलब किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताता है कि उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना अधिक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक ऑब्सल्ट एटॉमिक मास और दूसरा होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे देखते हैं आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, फिर हम इसको मिटाते हैं। देखते हैं 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसको जो है 1 डाल्टन भी कहा जाता है, डीए से इसको सूचित किया जाता है 1 डाल्टन DA4 डाल्टन। वन ए एम यू बराबर इक्वल
12 by 6.022 into 10 to the power 23 into 12, 1 by 12. 12 से हम 12 को काट देते हैं, हमारे पास क्या बचता है 1 by 6.022 into 10 to the power 23. अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर क्या होगा, ये आता है 0.16605 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 इक्वल क्या होगा, चूंकि हम इसको साइंटिफिक तरीके में बदलते हैं तो एक डिसमिल हम और इधर खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.6605 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम, एक एमयू का मान इस तरह हम निकालते हैं। अब देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास यानी ग्राम परमाणु द्रव्यमान। जब द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। फिर से आप इसको सुने, जब किसी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो हम इसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परिभाषा क्या होगा, इसका डिफिनेशन होगा व्हेन द एटॉमिक मास व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एलिमेंट इज रिप्रेजेंट इन ग्राम इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल होता है मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम
by mass of an element अब आगे देखते हैं हम मॉलिक्यूलर मास। कहीं कहीं इसको मोलर मास भी कहा जाता है, यानी आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणविक द्रव्यमान को, परमाणविक द्रव्यमान के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणविक द्रव्यमान के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आप इसको नोट करें, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के परमाणविक द्रव्यमान के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। द सम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन इन ए मॉलिक्यूल इट इज कॉल्ड मोलर मास। मोलर मास इसको कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मोलर मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान बराबर क्या होगा? कार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 × 2 बराबर इक्वल 12 प्लस 16 × 32 इक्वल 44 AMU। इस प्रकार हम अपना वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो जो है आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।